रोहतक में सीएम सैनी का कांग्रेस पर तंज, कहा बूढ़ी हो गई कांग्रेस पार्टी, आयुष्मान कार्ड के तहत मुफ्त इलाज कराए हुड्डा साहब। हरियाणा के लोगों ने अब मन बना लिया है, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी। मैंने तो पहले इनको कहा है ये सारे की सारी कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है, आप तो राम नाम का जाप करो बाकी विकास के कामों के लिए। प्रबुद्ध सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया दावा, कहा प्रदेश में तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। वही बताया उनका जो काम करने का तरीका वो भोंकू जैसे होते हैं ना, भोंकू उस प्रकार से बोलते हैं, और जनता हमारी बड़ी सौम्य जनता है, साइलेंट है, हम उस प्रकार के दावे नहीं करते, जो हमें हासिल करना होता वही दावे करते हैं। हमारा दावा आज की डेट में यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी और मैं खुलेआम इसके तर्क। मनोहर लाल ने कांग्रेस पर जमकर सादा निशाना, कहा कांग्रेस जनता को बहकलाने का काम करती है, कांग्रेस ने अभी से शुरू कर दी है बंदर बांट। लोगों को भ्रम में डालने के लिए कहते हैं, क्योंकि 10 साल लगातार भाजपा की सरकार रही है, कांग्रेस विपक्ष में रही है, उनके एक हताशा है, वो अपने यहाँ अपने लोगों को कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने के लिए इस प्रकार के सारे प्रलोभन देंगे कि हमारी सरकार हमारी आएगी, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम नौकरियां दे देंगे, जो अच्छी बातें भी समाज में खड़ी की हैं, मेहनत करके खड़ी की हैं, जिसके बाद मनोहर लाल ने बताया कांग्रेस के हालात, कहा पल्ले नहीं है दाने, कांग्रेस चली भुनाने, सीएम चेहरा तक नहीं अनाउंस कर पा रही कांग्रेस। कि जो इस प्रकार की बंदर बात जो शुरू पहले ही कर दी उन्होंने, अभी तो चुनाव हुए नहीं है, जैसे कहावत है ना क्या कि पल्ले नहीं है दाने, कांग्रेस चली भुनाने, अब कांग्रेस शब्द मैंने लगाया है, सब कोई और। हरियाणा में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां, कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ाने का काम किया है। सांस ले रहा है ये आतंकवाद और उग्रवाद को पनपाया किसने, ये कांग्रेस का डीएनए है जो आतंकवाद और नक्सलवाद को पनपाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका सफाया कर रही है, पूरी तरह सफाया कर रही है। बहनों भाइयों मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, कांग्रेस धारा 370 नहीं हटाई क्योंकि उसे मुस्लिम वोट चाहिए। सोनीपत में गरजे सीएम योगी, राहुल गांधी पर जमकर सादा निशाना, कहा जहां जाते हैं वहां दूसरे प्रदेश को कोसते हैं और इटली जाकर भारत को कोसते हैं। जब देश में रहते हैं उत्तर प्रदेश में आएंगे तो हरियाणा को कोसेंगे, केरल में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश को कोसेंगे, और जब नानी के घर इटली जाएंगे तो भारत को कोसते हैं। देश में संकट आता है तो इनको नानी याद आती है, तब भारत की 140 करोड़ जनता जनार्दन याद नहीं आती है। आपने राहुल गांधी का कार्य देखा होगा, जब देश में रहते हैं उत्तर प्रदेश में आएंगे तो हरियाणा को कोसेंगे, केरल में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश को कोसेंगे, और जब नानी के घर इटली जाएंगे तो भारत को कोसेंगे। अनुच्छेद 370 पर बोले मुख्यमंत्री योगी, कहा केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाया, आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है। पहले आवाज उठाई थी भारतीय जनसंघ ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में नारा बुलंद हुआ था, एक देश में दो प्रधान दो निशान और दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। नरवाना में यूपी सीएम योगी का कांग्रेस पर प्रहार, बोले किसानों को खुशहाल नहीं कर सकते, इनको वोट के लायक मत बनाओ। इन लोगों का हरियाणा के बाहर कोई अस्तित्व नहीं, एक अकेले कोई विकास कार्य नहीं करा सकता, इनकी क्षमता भी नहीं है, तो उसे वोट देने का मतलब आपका वोट बेकार जाना है। कांग्रेस अपनी विघटनकारी मान। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शैलजा पर बयान, कहा कुमारी शैलजा पार्टी की सीनियर लीडर, साथ ही एक जिम्मेदार नेता भी बताया। काम में सभी कांग्रेस के नेता आएंगे। हुड्डा साहब